हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिस्केल टिप्स। आज का वीडियो खास टीनेजर्स के लिए है, बट आज की जो स्किन केयर रूटीन मैं शेयर करूंगी वो आप चाहे किसी भी एज के क्यों ना हो, आप आराम से यूज कर सकते हो। दे आर 100% इफेक्टिव। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किन केयर की फर्स्ट स्टेप होती है क्लींजिंग, एंड मेरी मानो तो टीनेजर्स के लिए क्लींजिंग के लिए बाहर के कोई भी क्लींजर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए एक इंग्रेडिएंट, वो है बेसन। बेसन को थोड़ा सा ले लीजिए अपने हाथ में एंड इसके साथ पानी मिलाइए, पूरे फेस में इसको मसाज कीजिए। दैट्स इट, ये आपकी फेस से गंदगी सब कुछ निकाल देगी। आप सुबह उठ के इसी से आपका फेस को क्लीन कीजिए ना। क्लींजिंग के बाद आती है टोनिंग। छोटा सा टोनर के लिए समर सीजन में सबसे बेस्ट होता है क्यूकम्बर टोनर। उसके लिए हम लेंगे क्यूकम्बर जूस, साथ में ऐड करेंगे रोज वाटर। अगर रोज वाटर नहीं है तो नॉर्मल वाटर भी आप ऐड कर सकते हो। साथ में ऐड करेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल, कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। बस इसको मिक्स कीजिए एंड स्प्रे बॉटल में भर के फ्रिज में रख के आप इसे यूज़ कीजिए दिन में 2 से 3 बार। ये आपके फेस को हाइड्रेट भी करेगी एंड साथ में स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेगी। टीनेजर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि बाहर का टोनर ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए, घर में बनाइए टोनर यूज़ कीजिए या फिर रोज वाटर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आती है मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए टीनेजर के लिए सबसे बेस्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता है फॉर स्किन। स्किन अगर आपका ऑयली है तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, एंड अगर आपका ड्राई स्किन है तो एलोवेरा जेल के साथ विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करके अलग से बना के रखिए। इसको आप यूज़ कीजिए एज ए डे क्रीम, एंड ऑयली स्किन वाले इन दोनों को एज ए नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग काम करता है। बट इसके साथ वीकली और एक चीज़ करनी है, वो है मास्किंग। इस फेस मास्क की रेसिपी ऑलरेडी मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। इसके लिए आपको लगेगा लाल मसूर की दाल 10 चम्मच लिया है मैंने, साथ में ऐड करूँगी 6 चम्मच चावल, कोई भी चावल आप ले सकते हो। एंड इसका जो मिक्सचर है इसको आप आराम से 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हो। इसी पाउडर से आपको 1 चम्मच लेना है, साथ में ऐड करना है सिंपल दही। अगर ऑयली स्किन है तो आप दही यूज़ कीजिए, ड्राई स्किन है तो आप मलाई या फिर कच्चा दूध यूज़ कीजिए। बस इसको मिक्स कीजिए एंड एवरी वीक अप्लाई कीजिए। वीक में 2 बार भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी टैनिंग भी दूर करेगी, स्किन में निखार भी लाएगी, ग्लोइंग बनाएगी एंड साथ में स्क्रबिंग भी कर सकते हो। ये फेस मास्क अमेजिंग वर्क करता है, इसको आप बॉडी में भी लगा सकते हो। स्किन केयर की ये सारे स्टेप के साथ वन मोर थिंग, वो है मेकअप रिमूवर। अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप रिमूवल के लिए बेबी ऑयल को यूज़ कीजिए या फिर आमंड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हो, मिसेलर वाटर या फिर क्लींजिंग बाम। टीनेज में आप ये सब बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। आप आमंड ऑयल, बेबी ऑयल अच्छे से मसाज कीजिए फेस में, मेकअप को उतर जाने दीजिए, देन आप फेस क्लींजर यूज़ कीजिए। एज आई सेड कि ये सिर्फ टीनेजर के लिए नहीं है, कोई भी एज के हो ये स्किन केयर रूटीन को आप फॉलो कर सकते हो। दे आर वेरी बेसिक रूटीन बट इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्द से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।